आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना के हड़ताली मोड़ के पास स्थित विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लग गई है। आग भवन की तीसरी मंजिल पर लगी है। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां पहुंच गई हैं। जानकारी के अनुसार कई लोग अंदर ही फंसे थे, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित निकाल लिया है। इस भवन में कई सरकारी विभागों के ऑफिस है। आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि इन दिनों विश्वेश्वरैया भवन में मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। आग इतनी भीषण लगी है कि कई विभागों के जरूरी दस्तावेज जलने की आशंका है। बुधवार की सुबह जैसे ही आग लगने की सूचना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिली तो सभी दौड़े दौड़े विश्वेश्वरैया भवन पहुंचे। आग तीसरी मंजिल पर लगने की बात कही जा रही है। सूत्रों के अनुसार आग जिस जगह पर लगी है वहां लघु जल संसाधन, ग्रामीण कार्य और योजना विभाग के कार्यालय है। उस जगह पर कई विभाग के मंत्री और अफसर बैठते हैं। आग का असर तीसरी से पांचवी मंजिल तक है। आग पूरी तरह बुझी नहीं है। आग से कितने का नुकसान हुआ है इसका पता चलने में वक्त लगने की संभावना है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 15 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। भवन के अंदर से काफी धुआं निकल रहा है। पांचवी मंजिल पर कुछ मजदूर भी फंसे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने सुरक्षित निकाल लिया है। मजदूरों को निकालने के लिए हाइड्रोक्लोरिक प्लेटफॉर्म की मदद ली गई। दमकल विभाग के अनुसार सुबह 8 बजे उन्हें आग लगने की सूचना मिली। घटनास्थल पर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और कई बड़े अफसर मौके पर पहुंचे हैं। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।